वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव प्लानिंग इन टीचिंग यूजिंग टैक्सोनॉमीज, ये साडा टॉपिक अज दा। डिटेल दे विच असी इस टॉपिक नू करांगे तां एंड तक वीडियो तुसी देखोगे तां ही कंसैप्ट आ जिहड़ा तुहानू समझ आएगा की हुंदी है फ्लैक्सीबल एंड क्रिएटिव प्लानिंग टीचिंग दे विच टैक्सोनॉमीज की वरतों करते हुए। फ्लैक्सीबल एंड क्रिएटिव प्लानिंग इन टीचिंग यूजिंग टैक्सोनॉमीज रेफर्स टू द डेलिबरेट एंड डायनामिक यूज ऑफ एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स और क्लासिफिकेशंस टू स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंसिस। लर्निंग एक्सपीरियंसिस नू असी एक वधिया ढंग नाल जिहड़ा है देण लई जदों असी अपना टीचिंग दे मैथड्स ते टीचिंग नू असी चेंज करदे आ जां इस तरह दा फ्रेमवर्क बनाउने आ टीचिंग दा कि जिहड़े लर्निंग एक्सपीरियंसिस ने उह लाइफ लोंग होण, वाइल अलाउइंग फॉर क्रिएटिविटी एंड अडैप्टेबिलिटी टू केटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। वैन एजुकेटर्स इंटीग्रेट टैक्सोनॉमीज लाइक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दे नॉट ओनली फोकस ऑन हायरार्किकल नेचर ऑफ लर्निंग फ्रॉम बेसिक नॉलेज टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो लर्निंग की नेचर की है बेसिक टू हायर, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वरतों करते हुए जां टैक्सोनॉमीज की वरतों करते हुए जो टीचर आ जिहड़ा वो अपने स्टडी मटीरियल नू इस तरह इंटीग्रेट करता है तो इस नू असी जिहड़ा है फ्लैक्सीबल ते क्रिएटिव जिहड़ी प्लानिंग आ टीचिंग दी वह बोलते हैं। बट आल्सो इनकारपोरेट फ्लैक्सीबिलिटी टू फास्टर अंगेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन अ वरायटी ऑफ लर्नरस। ये सब तो पहला असी गल करांगे अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमीज इन टीचिंग। अ टैक्सोनॉमी इज असेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड क्लासीफिकेशन सिस्टम एंड इन एजुकेशन टैक्सोनॉमी सर्व एज टूल्स टू ऑर्गेनाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिवस। तो टूल्स के तौर पर टैक्सोनॉमीज ने जिहड़ी वरतियां जांदियां ने टीचिंग दे विच एजुकेशन दे विच ताकि जिहड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिवस ने उन्हां नूं प्राप्त किया जा सके। असैसमेंट मैथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, तो इन्हां चीज़ां नूं ऑर्गेनाइज करन लई अंडरस्टैंड करना। कॉमन टैक्सोनॉमी यूज्ड इन एजुकेशन इनक्लूड्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आ सारे ही स्टूडेंट्स लिए। डिटेल दे विच असी यह टॉपिक नू भी करांगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे विच की है अ हायरार्किकल मॉडल दैट कैटेगराइज्ड कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम लोअर ऑर्डर स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। लोअर ऑर्डर स्किल्स तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वालों किवें वधना है, सच एज नॉलेज। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जड़े ओल्ड टैक्सोनॉमी आ उस दे विच सब तो पहला रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, तत्तां नू याद करना भाव प्रीवियस नॉलेज नू कंसीडर करना नॉलेज। फिर कॉम्प्रीहेंशन भाव अंडरस्टैंडिंग, जो भी कंसैप्ट असी करा रहे हैं उहदे नाल बच्चियां दी नॉलेज नू लिंक करना। उस तो बाद अगे कॉम्प्रीहेंसिव ढंग नाल उस नू अंडरस्टैंड कहिंदे ने। फिर एप्लीकेशन उस नू अप्लाई करना, जो भी नॉलेज असी वधाई है अपनी यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। फिर एनालाइसिस विश्लेषण करना, ब्रेकिंग इनफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, सिंथेसिस कंबाइनिंग पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल, इवैल्यूएशन जजिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो ये पॉइंट्स ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे जिहड़े बेसिक टू
अगे साढ़े जाते हैं हायर थिंकिंग वालों। हुण इस दी रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिहड़ी उहदे विच अपडेट होया इह मॉडल, तां इहदे विच की आ, इहदे विच इहनां ने करता रिमैंबरिंग याद रखना, अंडरस्टैंडिंग दूसरा, तीसरा अपलाइंग, फिर चौथे नंबर ते आ जांदा एनालाइजिंग, पंजवें नंबर ते आउंदा इवैल्यूएटिंग, ते छेवें नंबर ते की आउंदा स्टैप क्रिएटिंग। तां इह रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे स्टैप ने जिहड़े कि क्रिएटिव ते फ्लैक्सीबल प्लानिंग दे विच बहुत रोल अदा करते हैं। फिर सोलो टैक्सोनॉमी आ, इह स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्वड लर्निंग आउटकम्स के उत्ते बेस्ड आ। दिस मॉडल फोकसिस ऑन इनक्रीजिंग कंपलैक्सिटी इन लर्नरस अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू एंगेज विद कॉन्टेंट मूविंग फ्रॉम प्री स्ट्रक्चरल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिन्हों कह सकते हैं असी यूनिस्ट्रक्चरल सिंपल एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये आता है, मल्टी स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग सैवरल आसपैक्ट्स बट नॉट इंटीग्रेटड, बहुत सारे तत् जिहड़े आसपैक्ट्स ने उन्होंने अंडरस्टैंडिंग होंगी आ पर उन्होंने दूसरी सिचुएशन के जोड़ के नहीं जिहड़ा समझा जा सकता, ये कंडीशन होंगी है। फिर रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग हाउ आसपैक्ट्स आर इंटररिलेटड। नैक्सट है एक्सटेंडड एबस्ट्रैक्ट जनरलाइजिंग एंड अपलाइंग बियोंड वट इज टाट। तो ये स्टैप ने यह टैक्सोनॉमीज के बेस के उत्ते जी फ्लैक्सीबल तो क्रिएटिव टीचिंग आओ किस तरह होंगी आ, किस तरह के स्टैप फॉलो करने चाहिए ने, यह इनू ध्यान च रखते हुए टीचर अगे वाधा है। फ्लैक्सीबल प्लानिंग यूजिंग टैक्सोनॉमी के विच अडैप्टिंग टू डिफरेंट लर्नर नीड्स, फ्लैक्सीबल प्लानिंग अलाउज एजुकेटर्स टू एडजस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूजिंग द टैक्सोनॉमी एज अ गाइड फॉर वेरिंग कग्नेटिव डिमांड्स। दिस फ्लैक्सीबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाई डिफरेंशिएटिंग टास्क, स्टूडेंट्स कैन एंगेज विद द सेम कंटेंट बट एट डिफरेंट लैवल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी, अलाउंग हाई अचीविंग स्टूडेंट्स टू वर्क ओन क्रिएशन एंड इवेलुएशन वाइल अदर्स फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। फिर वेरिड असैसमेंट्स, एजुकेटर कैन क्रिएट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असैसमेंट that align with the taxonomy's levels, ensuring all learners are challenged appropriately. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਰ ਨੀਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। नैक्सट साडा मेन हैगा नॉन लीनियर प्रोग्रेशन, इंस्टड ऑफ रिजिडली फॉलोइंग द टैक्सोनॉमी फ्रॉम वन लैवल टू द नैक्सट, एजुकेटर्स कैन डिजाइन लैसनस दैट जंप बिटवीन लैवल्स। इस तरह ना डिजाइन किए जा सकते ने कि लैवल्स नू जड़ा ए वो एक दूजे लैवल्स तो जंप करते हुए असी अगे वध सकीए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स माइट बिगिन बाय इवेलुएटिंग अ प्रॉब्लम एंड दैन वर्क बैकवर्ड टू एनालाइज द अंडरलाइंग प्रिंसीपल्स, दिस फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कीप्स लर्निंग डायनामिक। नैक्सट सी नंबर ते दा हैगा पॉइंट स्कैफोल्डिंग लर्निंग एक्टिविटीज, यूजिंग टैक्सोनॉमीज टू स्कैफोल्ड instruction allows learner to build on prior knowledge progressively, educators can plan creative sequence of activities that guide learners from basic understanding to higher order thinking। ta ide vich ki hoga, sab to pehla hoga start with recall activities, ta assi jehdiyan learning activities vi taxonomy de base te kar sakde ha। पहला स्टार्ट विद रिकॉल एक्टिविटीज़ दे विच क्विजिज, फ्लैश कार्ड्स, क्विजिज या फ्लैश कार्ड दिखाते हुए मूव इनटू कॉम्प्रीहेंशन टास्क,
समराइजिंग एक्सप्लेनिंग कंसैप्ट अगे दे विच आउंदा है फॉलो विद एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स केस स्टडीज इहदे विच आउणगीआं फॉलो विद एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड दीआं प्रॉब्लम्स भी हो सकदीआं ने केस स्टडीज भी हो सकदीआं ने फिर है इनकारपोरेट एनालिसिस इनकारपोरेट एनालिसिस दीआं एक्टिविटीज दे विच डिबेट्स ते डिस्कशंस हो सकदे ने फिर है एंड विद क्रिएटिव टास्क प्रोजेक्ट हो सकते हैं डिजाइनिंग सोल्यूशनस हो सकते हैं तो ये सीगे साढ़े को प्लैनिंग करनी फ्लैक्सीबल प्लैनिंग करनी टैक्सोनॉमीज के बेस पर जिद अगे तीन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स ने अगे थर्ड मेन पॉइंट हैगा क्रिएटिव प्लानिंग यूजिंग टैक्सोनॉमीज तो फ्लैक्सीबल तो क्रिएटिव दो शब्द ने साढ़े को पहला फ्लैक्सीबल की फिर क्रिएटिव कर रहे हैं हूँ असं ये पॉइंट हैगा एक एनक्रेजिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट एजेंसी एंड एक्सप्लोरेशन क्रिएटिविटी इन प्लानिंग इनवॉल्व्स गिविंग स्टूडेंट्स मोर ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग प्रोसैस फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर अगे पॉइंट्स ने इनक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स कैन डिवेलप देयर ओन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर लैवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सच एज एनालिसिस और सिंथेसिस एंड वर्क टूआर्ड्स आंसरिंग दैम थ्रू रिसर्च एंड एक्सपैरिमेंटेशन तो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन रेज करन तो बाद उन्होंने आंसर ने जोड़े वो रिसर्च या एक्सपैरिमेंटेशन के थ्रू जोड़े ने सीखने तो इनू इनकुआरी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं फिर है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स कैन बी डिजाइन टू एंगेज मल्टीपल लैवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी वेयर स्टूडेंट्स एनालाइज इन्फॉर्मेशन क्रिएट न्यू मॉडल्स और सोल्यूशनस एंड इवेलुएट देयर इफेक्टिवनैस तो यह इनक्रेजिंग स्टूडेंट्स एजेंसी एंड एक्सपलोरेशन के पॉइंट्स आने अगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स क्रिएटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैन एनहांस टैक्सोनॉमी बेस्ड लर्निंग यूज करनी टेक्नोलॉजी बेस कि रखना टैक्सोनॉमी वाला ये सब तो पहला होगा इंटरैक्टिव सिमुलेशनस एंड गेम्स कैन हैल्प विद अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन फिर है डिजिटल स्टोरी टैलिंग और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स पुश स्टूडेंट्स टूआर्ड्स हायर लैवल्स ऑफ क्रिएटिव क्रिएटिंग एंड इवेलुएटिंग नैक्सट ये सी पॉइंट हैगा साढ़े को इंटरडिसिपलनरी अप्रोचिज कंबाइनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज इनक्रेजिज स्टूडेंट्स टू थिंक एट अ हायर कोग्निटिव लैवल्स फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटिंग आर्ट विद साइंस और हिस्ट्री विद लिटरेचर लीड्स टू क्रिएटिव सिंथेसिस फॉर आइडियाज ऑफ आइडियाज एंड इंटरडिसिपलनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यह सीगे थर्ड पॉइंट जिहड़ा सीगा साडा जिदे विच असी क्रिएटिव प्लानिंग किवें करनी है टैक्सोनॉमीज़ नू यूज करते हो ये तीन पॉइंट्स ने अगे इन्हां दी एग्जाम्पल्स के तौर पर पॉइंट्स ने तो ये जिहड़े असी अगे वधांगे इन्हां नाल ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगे चौथा पॉइंट आ क्रिएटिव ते फ्लैक्सीबल प्लानिंग दा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैक्सीबल एंड क्रिएटिव प्लानिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देवांगे हुण असीं इहदे विच फस्ट एग्जाम्पल है कि लिटरेचर लैसन यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नूं यूज करदे हुए लिटरेचर दे लैसन किवें बनाउणे ने रिमैंबरिंग दे विच पहला स्टैप क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दा रिमैंबरिंग आ तां इहदे विच की कहांगे असीं स्टूडेंट रिकॉल फैक्ट्स फ्रॉम अ नॉवल नॉवल दे विच फैक्ट्स लभणे करैक्टर्स सैटिंग याद करने की कौन कि करैक्टर्स सीगे उन्हां दी सैटिंग किवें सी की रोल अदा करदे सी उह फिर अंडरस्टैंडिंग करनी स्टूडेंट समराइज द थीम्स ऑफ नॉवल तो नॉवल पढ़ा रहे हो तुसी लिटरेचर दे विच तां ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वरतों करते हुए क्रिएटिव एंड फ्लैक्सीबल जिहड़ी प्लानिंग है टीचिंग की उहदे विच अगे आऊगा अपलाइंग तां स्टूडेंट्स रिलेट द थीम्स ऑफ मॉडर्न डे सोशल इशूज जो भी नॉवल पढ़ रहे ने उस दी थीम नू आधुनिक सोशल इशूज ने जिहड़े मॉडर्न सोशल इशूज ने उन्हां नाल अपलाई करना
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪਲੋਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਬੇਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਆਥਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਨਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਰਾਈਟ ਅ ਚੈਪਟਰ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਸਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਅਪਲਾਈਂਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਟੈਸਟ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਫਿਰ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੈਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਚੈਲੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਵਿਦ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੂਸ ਦਾ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਐਜ ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅ ਰਿਜਿਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਟੋਪਿਕਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਫਾਰ ਮਿਕਸਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਰਨਰਸ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੇਅਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਕੇਟਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟਾਸਕ ਵਾਈਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਕਲ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਔਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਯੂਜ ਰੂਬਰਿਕਸ ਦੈਟ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਸੈਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਆਨਸਰਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਮ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿੰਗ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਨਰਸ ਹੈਲਪ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਸਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੋਥ ਸਟਰਕਚਰਡ ਐਂਡ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਇਵਰਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਟਾਸਕ ਬਾਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇੰਟੂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਕੈਨ ਫੋਸਟਰ ਡੀਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਓਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ, ਅਪਡੇਟਡ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ, ਸੋਲੋ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।